नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम कुमड़ा बड़ी बनाएंगे। इन्हें कोड़ारी और रखिया बड़ी भी बोला जाता है। इन्हें एक बार हम बनाकर सुखाकर रख लें तो पूरे साल तक हम कभी भी सब्जी बनाकर खा सकते हैं। तो आइए कुमड़ा बड़ी बनाना शुरू करते हैं। कुमड़ा बड़ी बनाने के लिए हमने एक कप उड़द की दाल ली है। दाल को हमने अच्छे तरीके से धोकर पानी में 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया, एक्स्ट्रा पानी हटा दिया और दाल को दरदरा पीस लिया। तो ये हमने पिसी हुई दाल ले ली है। दाल में हम 1 पिंच हींग डालेंगे। ऊपर ही डाल देते हैं, थोड़ा सा इसमें इस तरीके से गड्ढा बना देते हैं ताकि हींग हमारी यहीं पड़ी रहे। और 1 इंच टुकड़ा अदरक का हमने बारीक कद्दूकस करके ले लिया है, या 1 चम्मच अदरक का पेस्ट ले सकते हैं। और हम इसमें 1 टेबल स्पून पानी डाल देते हैं। इसे हम ढककर रख देते हैं और हम ये कुमड़ा काटकर कद्दूकस कर लेते हैं। हमने 500 ग्राम कुमड़ा लिया है। इसके हम ये सॉफ्ट पार्ट काटकर हटाएंगे और छिलके हटाएंगे। ये बिल्कुल बीज वाला पार्ट हम हटा देंगे। छीलने के लिए हम इसे पीसेज में काट लेते हैं। ये काफ़ी हार्ड होता है, तो पीसेज में काट लें तो आसानी से हैंडल हो जाता है। ये कुमड़ा सफ़ेद पेठा होता है, इसी से हम पेठा बनाते हैं। इसका मोटा छिलका उतार देंगे। इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं और ये जो ऊपर छोटा छोटा रह जाता है इसको हम चाकू से एकदम बारीक काटकर इसमें मिला सकते हैं। ये छिलके और ये सॉफ्ट पल्प बीज हम हटा देंगे और ये जो कद्दूकस किया हुआ कुमड़ा है इसे हम कपड़े में बांधेंगे। कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लेंगे और उसमें इसे निकाल लेंगे। ये गीला बहुत है तो इसमें से हमें पानी हटाना है। तो ये हम कपड़े में इस तरीके से बांधकर और इस थाली के ऊपर रख दें और थोड़ा भारी किसी चीज़ से इसे दबा दें तो इसका पानी इसमें से निकल जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए इसे हम रख देते हैं और तब तक हम दाल को फेंटकर तैयार करेंगे। ये हमने 1/4 छोटी चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा लिया है। ये हम इसी दाल में डाल देंगे, इससे बढ़िया बहुत सॉफ्ट बनती है। दाल को हम फेंट लेते हैं। दाल को हम इतना फेंट लेते हैं कि अगर हम थोड़ी सी दाल पानी में डुबाएं तो वो तैरनी चाहिए। जैसे कि हम थोड़ी सी दाल उठाकर और पानी में डालकर देखते हैं, दाल पानी में तैर रही है। हमारी दाल फिटकर तैयार हो गई है। और इधर हमने कुमड़ा को बांध कर रखा था तो इसमें से पानी निकल गया है। कुमड़ा को हम दाल में मिला लेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे ढक कर पूरे रात के लिए रख देंगे और सुबह इसके बढ़िया तोड़कर बनाएंगे। रात भर में दाल अच्छे तरीके से फूल कर तैयार हो जाएगी और सुबह सुबह जब बढ़िया बनाएंगे तो पूरे दिन की धूप में अच्छे तरीके से सूखेंगी। वैसे तो बढ़ियों को सूखने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन पहले दिन की जो धूप लग जाती है उससे बढ़िया अच्छी बनती हैं। दाल रात भर में तैयार हो गई है। हम दाल में मसाले मिलाएंगे। मसाले कहीं पर ज़्यादा मिलाए जाते हैं, कहीं पर थोड़े कम मिलाए जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ थोड़ा नमक डालकर ही बढ़िया बनाते हैं। हमने दाल में मिलाने के लिए ये मसाले लिए हैं। 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 4 लौंग, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया। और ये हमने 2 हरी मिर्च बारीक काट कर ले लिए हैं। ये हमने 1/2 छोटी चम्मच नमक लिया है। नमक भी इसी में डाल लेंगे ताकि मसाले आसानी से पिस जाएंगे। और मसालों को हल्का दरदरा पीसेंगे, एकदम बारीक नहीं करेंगे। मसालों को हम दाल में डालेंगे और दाल को थोड़ा सा और फेंट लेते हैं। हरी मिर्च भी दाल में डाल देंगे। दाल बड़ी बनाने के लिए तैयार है। तो अब हम बढ़िया बनाते हैं। इसके लिए हमने ये थालियाँ ले ली हैं। थाली में थोड़ा सा तेल डालकर हम इसे चिकना करेंगे। हम इन्हें कपड़े के ऊपर भी बना सकते हैं। धूप में जाकर कपड़ा बिछा दें और उसके ऊपर बढ़िया तोड़ लें और ये थालियाँ हम धूप में रखेंगे। हाथ के ऊपर भी हम थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, हाथ को चिकना कर लेंगे और थोड़ी सी दाल उठाएंगे और बढ़िया बनाएंगे। तो बढ़िया हम थोड़ी सी छोटी या थोड़ी सी बड़ी जैसे हम चाहें बना सकते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर हम इस तरीके से तोड़ तोड़ कर रखते जाएंगे।
इन थालियों को हम धूप में रख देंगे, 2 से 3 दिन की धूप में बढ़िया अच्छे तरीके से सूख कर तैयार हो जाएंगी। फिर मिलते हैं हम बढ़िया सूखने के बाद। कुमड़ा बड़ी सूख कर तैयार हो गई हैं, अब आप इनसे सब्जी बना सकते हैं। इन्हें एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लें तो पूरे साल तक हम इनको यूज कर सकते हैं। कुमड़ा बड़ी को आलू के साथ, बैंगन के साथ या लौकी के साथ बनाया जा सकता है, बहुत अच्छी सब्जी लगती है। इनकी कढ़ी भी बनाई जाती है, तो आप इनसे अलग अलग स्वाद में सब्जियां बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।